टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल, डोंट मिस लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आधार कार्ड ने एक बड़ा बदलाव किया है। जैसे जब आप अपना आधार कार्ड की PFD डाउनलोड करते थे तो वह पहले ओपन होने के लिए एक पासवर्ड मांगता था जिसमें आपको अपना एरिया का पिन कोड डालना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यह बदलाव क्या हुआ है और आप इस पासवर्द को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन समय से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पर आना है या आप गूगल किसी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है आधार कार्ड और एंटर करना होगा। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर UIDAI ऑफिशियल वेबसाइट आधार कार्ड की आ जाएगी। अब आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है। अब थोड़ा सा इसमें डाउन आना होगा। डाउन आने के बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड इनरोलमेंट नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है इसमें आपको फोर्थ कॉलम देखना होगा, यानी जो फोर्थ लिख ये दिया गया है डाउनलोड आधार कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक नोटिस आ जाएगा सामने, इम्पोर्टेंट नोट। तो आपको ये रीड करना है। अब ये इसमें जो बदलाव हुआ है उसी के बारे में बता रहा है। यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट नोट, द न्यू ई आधार कार्ड लेटर PFD पासवर्ड विल बी ऑफ 8 कैरेक्टर, यानी जो आप इसका पासवर्ड है वो 8 शब्दों में हो चुका है। जो आपको अब अपना पासवर्ड डालना है आधार कार्ड PFD में वो आप किस प्रकार से डालेंगे, यहाँ पर आप एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड और एग्जाम्पल फोर्थ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपका नाम सुरेश कुमार है तो डेट ऑफ बर्थ 1990 है, तो पासवर्ड में आपको अब यूज करना होगा जो फोर वर्ड लेने हैं SURE। यहाँ पर जैसे कि लिया गया है SURE 1990। इसी प्रकार से आप SAI कुमार, अगर किसी का नाम SAI कुमार है तो यहाँ पर देख सकते हैं SIK, यानी कि 4 शब्द लिए हैं SAIK 1990। और एग्जाम्पल थर्ड देख सकते हैं, अगर किसी का नाम P.Kumar है तो इसी प्रकार से पासवर्ड में भी लिया जाएगा P.KU 1990। अगर किसी का नाम राय है, अगर डेट ऑफ बर्थ 1990 है तो पासवर्ड में आपको यूज होगा RIA 1990। तो इस प्रकार से आधार कार्ड ने नया रूल जारी किया है। आप अगर PFD फाइल डाउनलोड करते हैं तो अब से पासवर्ड आपको इस प्रकार से यूज करना होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। पता मैनू तेरे वड्डे वड्डे जे ड्रीम ने, तेरियां अखां च गोरी फिल्मी जे सीन ने, लगदा कि फिल्मां दिखाऊंगा नाले मॉलां विच शॉपिंग कराऊंगा, मैं अड्डा भी नहीं रच गोरिए, मैं तां कल्ला ही प्यार दे पाऊंगा बस शॉपिंग।